अपराध जगत पुलिस या तंग और सियासी महकमों के तालमेल ने हकीकत की एक ऐसी कहानी बुनी जिसके सामने अनुराग कश्यप और प्रकाश झा की फिल्म में और उनकी कहानियां भी मात खा जाए। अभी कुछ दिन से आप एक नाम सुन रहे होंगे अपराध जगत में, वो नाम बहुत बार बार लिया जा रहा है, उसका नाम है विकास दुबे। कानपुर या यूं कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा अपराधी जिसने 2 से 3 जुलाई की रात 8 पुलिस कर्मियों की घात लगाकर उन पर हमला किया, उनकी हत्या की और उसके बाद फरार हो गया। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का एक ट्वीट आया और उन्होंने ये कहा कि कोई भी अपराधी अगर ये समझे कि महाकाल की शरण में जाकर उसे उसके पापों से मुक्ति मिल जाएगी तो वो महाकाल को जानता ही नहीं है। साफ इशारा था कि विकास दुबे को महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ये अलग बात है कि ये कहा जा रहा है कि महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने विकास दुबे को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि विकास दुबे जो है उसने खुद पुलिस तक ये अपनी जानकारी पहुंचाई और अपने आप को गिरफ्तार करवाया। हालांकि इससे पहले पुलिस और एसटीएफ ने, यूपी की पुलिस और एसटीएफ ने विकास दुबे के 3 साथियों का एनकाउंटर कर दिया था। उसके दो साथियों के एनकाउंटर जिसमें प्रकाश पांडे और एक और साथी था, उसका एनकाउंटर 3 तारीख को ही कर दिया गया था। उसके बाद कल अमर दुबे, जो उसका राइट हैंड और अंगरक्षक माना जाता था, उसको भी पुलिस ने निपटा दिया। कहानी शुरू होती है 2 से 3 जुलाई की रात से, जब राहुल तिवारी नाम के एक शख्स ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला हत्या का था, विकास दुबे के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया था और डीएसपी देवेंद्र मिश्र एक पूरी 3 थानों की टीम को लेकर के दबिश देने के लिए कानपुर के बिकरू गांव में गए थे। सवाल ये भी है कि इतनी रात को पुलिस को ये ऑर्डर किसने दिया कि आप जाइए और एक कुख्यात अपराधी को घेरने के लिए बिना हेलमेट और बिना जैकेट के या बुलेट प्रूफ जैकेट के आप चले जाइए। विनय तिवारी जो कि एसओ थे चौबेपुर थाने में, उनकी और सर्किल ऑफिसर जो है देवेंद्र मिश्र, उनके बीच में कुछ कहा सुनी काफी टाइम से, कुछ खींचतान या दो अफसरों के बीच में जो एक खींचतान होती है वो काफी टाइम से चल रही थी, जिसकी शिकायत देवेंद्र मिश्र ने अपने उच्च अधिकारियों को भी की थी। ये जो घेरने की रणनीति बनी और रात में ये 3 थानों की पुलिस निकली, देवेंद्र मिश्र इसकी अगुवाई कर रहे थे, उनके साथ में विनय तिवारी भी थे। अब सवाल ये कि जब 2 पुलिस अफसरों में आपस में कोई खींचतान चल रही है तो एक ऐसे मुश्किल मिशन पर एक साथ उन्हें क्यों भेजा गया, जबकि उनमें तालमेल की कुछ कमी होती। विकास दुबे का घर बिकरू गांव में, वो घर नहीं उसे गढ़ कहना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि 12 फीट की ऊंची दीवारें, दीवारों पर लगी ग्रिल और छत ऐसी कि आप गांव के चारों तरफ देख सकते हैं कि कहां से कौन आ रहा है, कहां कौन जा रहा है, और पुलिस और सियासत दोनों में विकास दुबे की अच्छी खासी पकड़। सवाल ये था कि ऐसे कुख्यात अपराधी को घेरने के लिए बिना तैयारी के टीम जाती है, घर से 100 मीटर की दूरी पर रात के अंधेरे में एक जेसीबी उनका रास्ता रोकती है, रास्ते में गली में जेसीबी खड़ी होती है। देवेंद्र मिश्र और कुछ उनके साथी, ये जो 2 दर्जन पुलिसकर्मी थे, उनमें से कुछ आगे बढ़ते हैं और फिर आधा दर्जन से ज्यादा घात लगाए विकास दुबे के गुर्गे पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं। गोली, पहली गोली किस तरफ से चली इस पर संशय है, इधर से गोली चली, लेकिन ये है जब फायरिंग हुई तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई और जब सब कुछ शांत हुआ तो 8 पुलिसकर्मियों की लाशें वहां बिखरी पड़ी थी, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। एक तथ्य ये भी है कि विनय तिवारी का इस घटना में बाल भी बांका नहीं हुआ। और इस घटना के बाद, इस घटना को अंजाम देने के बाद विकास दुबे फरार हुआ, मोटरसाइकिल पर निकल कर भाग गया। अपराध को संरक्षण कई बार सियासत से इतना ज्यादा मिल जाता है कि अपराध सियासत से भी ऊपर निकल जाता है।
और ये सब भुगता पुलिस प्रशासन ने और आम जनता ने। चौबेपुर थाने में जिस विकास दुबे के खिलाफ 60 से ज्यादा मामले थे, 2001 में जिस विकास दुबे ने पुलिस थाने में घुसकर एक दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या की और फिर थाने के पूरे 30 लोगों के स्टाफ जो है वो न्यायालय में जाकर मुकर जाता है, आप उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। सपा और भाजपा दोनों पार्टियों से इस नेता को संरक्षण, इस अपराधी को संरक्षण मिलता रहा और फिर आज वो इस मुकाम पर पहुंच गया कि उसने पुलिस कर्मियों की जान का कोई मोल नहीं समझा, कुचल कर रख दिया। देखने वाली बात अब ये होगी कि ऐसे अपराधियों को संरक्षण देना पुलिस प्रशासन और राजनीति ये दोनों कब बंद कर देगा।